कल तक बेटा अपन ने ना ये एपी के सारे कॉन्सर्ट कंप्लीट कर लिए थे। एपी के ऑलमोस्ट कॉन्सर्ट कंप्लीट हो गए थे कल तक अपने। तो इसीलिए आज का जो प्लान है, आज स्टार्टिंग से ही ना एपी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज एपी के कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो करवा देंगे। वो कल जैसा हमने बोला था ना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रहते हैं जो कि मालूम होना चाहिए, उन्हें याद भी करना है, और उनको ना सॉल्व करने के तरीके भी बता देंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे उसकी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो एपी के कॉन्सेप्ट अपने, नमस्ते बेटा, यस। तो एपी के कॉन्सेप्ट हो गए थे और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जो रह गए हैं, वो अभी करवाएंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज। तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उनको किस तरह से क्या अरेंज करना है वो सब समझा देंगे। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करना है एपी के क्वेश्चन से। तो एपी के क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, द सीक्वेंस इज, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसके बारे में पता करना है, ये कौन सा सीक्वेंस है ना। तो एचपी है कि जीपी है कि एपी है। तो सबसे पहले मान लो एपी को चेक करते हैं, तो मालूम है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लो और थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लो, सेम चीज आना चाहिए। तो चाहो तो देख लो उसको एक बार, क्या था अपना, ये था जैसे T2 - T1 कितना है, 6/√7 - 5/√7। 6 - 5 बच गया ना 1/√7। ऐसे चाहो तो ये देख लो, थर्ड में से सेकंड, तो √7 - 6/√7, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7/√7, और ये है ही अपना 6/√7। तो फिर से आ गया वही 1/√7, ये वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एपी है। तो राइट आंसर आ गया सी, अपना एपी। कोई किसी को डाउट तो नहीं है, ये ब्रजेश बघेल सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सही है, बाकी सही बच्चे सी कह रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो इस वाली श्रेणी का पीवा पद पूछ रहे हैं, पीवा पद, पीथ टर्म ऑफ द सीरीज। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, ये चेक करो क्या कंडीशन दिख रही है। 3 - 1/n फर्स्ट टर्म, सेकेंड 3 - 2/n, थर्ड है 3 - 3/n। तो सीक्वेंस क्या चेंज हो रहा है, यहाँ 1 फर्स्ट में है, 1 सेकेंड में है, 2 थर्ड में है, 3, तो P में होगा P। तो आंसर आना चाहिए अपना कौन सा, 3 - P/n। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ये सी कौन कह रहे थे, ये सी जो कह रहे हैं वो गलत है, इसका इसका आंसर है बी। सिंपल दिख रहा है, -1/(n - 2/(n - 3/(n) तीसरा पद तक। तो पी वे पद में क्या हो जाएगा, तीसरे में है 3/(n), तो पी में हो जाएगा P/(n) माइनस, सब कुछ लिखा ही है सेम। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बी इसका आंसर। अभय कुमार जी ये कह रहे हैं वो गलत है, ये इसका आंसर है बी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
इस वाली श्रेणी का आठवां पद पूछ रहे हैं, आठवां पद एट्थ टर्म एपी दिया हुआ है और इसका आठवां पद पूछा गया है। तो पहले तो चाहो देख लो उसको, पहला पद इसका कितना है 2√2 और डी कितना आएगा इसका 2√2 तो बच गया माइनस का 2√2। आठवां पद पूछा है, सिंपल सॉल्व कर लो, आठवां पद a प्लस 8 − 1 7d, a की वैल्यू कितना है 2√2 प्लस 7 और d की वैल्यू कितनी आई थी अपनी −√2। सॉल्व कर दो, 2 − 7 −5√2 आएगा, −5√2। तो −5√2 कहां पर है चेक कर लो, आंसर आ गया अपना ए, आंसर आ गया इसका ए। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4। इफ द nth टर्म ऑफ एपी इतना है, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, nवां पद ये है, n टर्म्स का सम निकालना है। इसका दो तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो। और वैसे ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो बताओ इसका आंसर क्या है, मालूम है? एनवा पद दिया हुआ है, एन टर्म्स का सम, एन पदों का योग पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है। तो बच्चे कह रहे हैं ये अभिषेक के, अभय कुछ कह रहे हैं, ये आंसर सी, तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन बताना है क्या? सॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं, चलो उसको थोड़ा सीख लो एक बार। हाँ, सिंपल दो तरीके इसके हैं। एक तरीका है कि इसका nth टर्म दिया हुआ है tn, कितना है 2n − 1, तो सीरीज क्या होगी n = 1, 2, 3 ऐसा रख लो, तो कितना आ गया वो t1, n की वैल्यू 1, तो 2 − 1 = 1, t2 रखा 2, 2 = 4 − 1, 2 × 4 − 1 = 3, t3 3 × 6 − 1 = 5, तो सीरीज अपनी ऐसी आएगी 1, 3, 5 ऐसी आती जाएगी। अब मान लो इसका n पदों का योग निकालना है, तो पिछले टर्म हमने बताया था कि ट्रिक से अगर इसे चेक करना है तो n पदों का योग, n = 2 ले लिया मान लो हमने, n = 2, तो इन दो पदों का योग कितना आया, इन दो पदों का योग 1 + 3 कितना आ गया 4। ऑप्शन में रख के देख लो कौन से ऑप्शन से ये आंसर 4 आ रहा है। फर्स्ट वाले में रखा मान लो, तो कितना आया ये 2 का स्क्वायर 4 − 1 यानी कि आया 3, तो ये गलत हो गया। यहाँ रखा अपन ने मान लो, तो 2 × 4 − 1 ये 3 का स्क्वायर है, ये तो और भी ज़्यादा आ गया 9, तो ये भी गलत। यहाँ पर रखा तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ये आंसर 4 आना चाहिए बिल्कुल सही। और ऐसे ये भी गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर नंबर्स मालूम चल जाए अपने को और n टर्म्स का सम निकालना हो, तो कोई फार्मूला लगाकर n पदों का योग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 टर्म का सम यहाँ चेक कर लो और n की वैल्यू 2 पुट करके चेक कर लो, ठीक है।
तो एन पदों के योग के लिए ये जो तरीका बताया इसका उपयोग कर लो, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर मालूम चल जाता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका एंथ टर्म पूछा गया है। एंथ टर्म ये भी बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, एंथ टर्म। ठीक है, यहां भी एन की वैल्यू मान लो 1 ले लें तो कितना आएगा, ये 1 तो 1 2 और 1 3, 1 2 3 सही है। एन की वैल्यू 2 ले लें मान लो तो 2 और 2 2 4 और 1 5, 2 × 5 आएगा, तो ये गलत है ये, क्योंकि n इक्वल टू अगर 2 लेते तो यहाँ से कितना आता, ये यहाँ से आता मान लो n इक्वल टू 2 लेते तो पहला ऑप्शन में आता कितना, पहले ऑप्शन में आता 2 × 2 2 4 और 1 5, जो कि ये नहीं है तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते मान लो तो कितना आता, ये 2 × 4 और 2 × 4 माइनस 1 3 आता, 4 × 3 ये भी नहीं है तो ये भी गलत। चलो मान लो सी पे आ गए तो 2 × 4 और 1 5 सी ऑप्शन, 2 × 4 और 1 5 और 2 × 4 माइनस 1 3 तो 3 × 5 ये सी आंसर करेक्ट है ये। ठीक है, और भी चाहो तो चेक कर लो ये वाला तीसरा टर्म, 3 × 2 = 6 और 1 = 7 और 3 × 6 माइनस 1 = 5 तो तीसरा टर्म भी बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। ए गलत, बी गलत और सी बिल्कुल करेक्ट है और डी भी गलत हो जा रहा है ऐसे पुट करके। तो एनवा पद निकालने के लिए भी कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, एन का मान कोई सा अपने से लो, एन बराबर 1 रख के देख लो, एन बराबर 2 रख के देख लो और ऑप्शन को चेक कर लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है ये, समझ आ गया। एनवा पद आंसर आ गया सी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यस सब लोग कह रहे हैं यस आंसर सी। तो अब आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है तो, यदि श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है तो उसका आरवा पद होगा, आरवा पद होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, तो जो कह रहे हैं आंसर बी, ये बी आंसर करेक्ट है, वैसे बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पी प्लस क्यू माइनस आर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, पहले भी क्लास में भी डिस्कस हमने किया हुआ है, 3 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका जो होता है इसका 2 सेकंड आंसर, दूसरा तरीका 10 सेकंड आंसर, तीसरा तरीका 2 मिनट में आंसर। ठीक है, 2 सेकंड वाला तरीका इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो सीधा आंसर। ठीक, 10 सेकंड वाला तरीका अगर देखना है, 10 सेकंड वाला, तो वो चाहो तो चेक कर लो, और 1-2 मिनट वाला तरीका वो हमें यूज करना नहीं है क्योंकि टाइम ज्यादा खराब होना है, तो हम यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल 10 सेकंड वाला। 2 सेकंड वाला तुम लोगों ने आंसर बता दिया, आ गया बी, पी प्लस क्यू माइनस आर। अभी हम देख रहे हैं 10 सेकंड वाला तरीका कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो क्या लिखा हुआ, पी वा पद क्यू, तो मान लो हमने ले लिया पहला पद कितना ले लिया मान लो 2, ठीक है, और दूसरा पद कितना ले लिया हमने 1। देखो लिखा है पी वा पद क्यू और क्यू वा पद पी लिखा हुआ है, तो पी की वैल्यू यहां से, एक तरह से पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 1
और क्यू की वैल्यू कितनी ली हमने, 2। ठीक है, तो पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 2 है, तो पहला दूसरा पद मालूम है, तो यहां से अगर डी निकालोगे तो डी आएगा अपना T2 माइनस T1 यानी कि 1 माइनस 2 यानी आ गया कितना, माइनस 1। ठीक है, आ गया माइनस 1, डी आ गया माइनस 1। ठीक है, और पहला पद तो मालूम था ही, अब क्या चाहिए था हमें, आरवा पद। तो मान लो टी आर निकाला, तो टी आर कितना आया, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो ए पहला पद कितना है अपना 2, और ये कितना आया r माइनस 1, और d कितना आया था माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2 माइनस r, माइनस 1 का इंटू r में माइनस r, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो आ गया 2 प्लस 1 माइनस r। और ये 2 क्या चीज है अपना, 2 है q और 1 क्या चीज है p, तो आ गया कैसे ये p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को चाहें तो ट्रिक से 10-15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चे याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड वाला तरीका, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है याद रखो, 10 सेकंड वाला तरीका, ऐसे ट्रिक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है tan m थीटा इक्वल टू, tan m थीटा है तो थीटा के विभिन्न मान होंगे, इफ tan m थीटा इक्वल टू tan m थीटा then different value of theta will be in AP में होगा कि GP में होगा कि HP में होगा कि none, तो इसका आंसर क्या है, बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर सर ये है, तो एकदम राइट आंसर है, इसका आंसर ये है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्यों, बेसिक है बिल्कुल, ये तो मालूम होगा कि अगर ये tan m theta इक्वल टू m theta है तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, n theta इक्वल टू सपोज ये k पाई प्लस अल्फा यानी कि m theta। ठीक है, सॉल्व करना चाहोगे तो ये आएगा अपना कितना, n theta माइनस m theta इक्वल टू k पाई, theta कॉमन तो n माइनस m के पाई, तो थीटा की वैल्यू आती है के पाई अपॉन एन माइनस एम, यहां पर क्या के, ये तो के आ गया ना के, इस के की पावर कितनी है, के की पावर है 1, के की पावर 1 है, इसीलिए क्या होगा ये इसके जो एंगल होंगे, ये कोण जो होंगे वो थीटा की वैल्यू के लिए, वो सब क्या होगा एपी में होगा, जनरल है बिल्कुल, पहले बताया था हमने कि एपी का जो एनवा पद होता है वो इस टाइप से रहता है, ए एन प्लस बी, एपी का एनवा पद जो है वो ए एन प्लस बी के टाइप का रहता है, इसमें एन की पावर कितनी है, एन की पावर 1, और यहां पर अपनी के की पावर कितनी है 1, तो इस तरीके से ये इसके कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, एपी में रहेंगे, सिंपल बात है, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
यदि किसी समांतर अनुक्रम के पी वे क्यू वे आर वे पद क्रम से स्मॉल ए बी सी है तो ए इंटू क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू का मान होगा, इसका मान होगा, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वही तरीका आपने बताया। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वही पहले से बताया था हमने, 2 सेकंड वाला, 10 सेकंड वाला और 2 मिनट वाला। 2 सेकंड में क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, बच्चों को याद भी है और कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी बता दिया, तो इसका आंसर आ गया सी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट और आंसर इसका आ गया सी। इसका आंसर जो आया सी, कुछ एक दो बच्चे ए कह रहे हैं वो गलत, इसका आंसर है सी, ठीक है। तो 2 सेकंड में तो याद था तो आंसर आ गया सी। अब मान लो कह रहे हैं कि नहीं, कैसे मालूम चला कि ये सी आंसर है, तो हम तुम्हें बता देती है ये 10 सेकंड वाला तरीका, 10 सेकंड वाला तरीका। उसके लिए क्या करना है, इतनी जगह में ये हो जाएगा आराम से। मान लो ये कह रहे हैं पी वा क्यू वा आर वा पद, पी क्यू आर वा पद कह रहे हैं, तो मान लो हमने पी की वैल्यू 1 ले ली, तो ये हो गया पी 1 पी 2 पी 3 पी वा क्यू वा, ठीक है। अब पी 1 पी 2 पी 3 है, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, तो मान लो ऐसा ले लिया तुमने 3 4 5, पहला पद 3, दूसरा पद 4 और तीसरा पद ले लिया मान लो 5। तो कह रहे थे क्या ये पीवा पद क्यूवा पद और आरवा पद कितना था अपना, ये था बी था और सी था। देखो यही है पीवा क्यूवा आरवा पद क्रम सही विषय है, इसके हिसाब से देखो जरा ये पी का मान कितना है अपना, ये पी लिखा है यहां पर, पी का मान कितना आ गया 1, क्यू का मान कितना है 2 और आर का मान कितना है 3, पी क्यू आर 1 2 3 और ए बी सी का मान कितना है, ए का मान कितना है अपना 3 लिया हमने, बी का मान कितना 4 लिया और सी का मान कितना हमने 5 लिया हुआ है। पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 और ए बी सी की वैल्यू ले लिया हमने 3 4 5, इस रिजल्ट पर रखे देख लो। तो चलो कहाँ लिखते हैं इसको, चलो यहां जरा लिख देते हैं ये वैल्यू, ए ए का मान कितना लिया था हमने 3, क्यू माइनस आर क्यू कितना है 2 और आर कितना 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 1, प्लस बी बी कितना था अपना 4, आर माइनस पी आर माइनस पी 3 माइनस 1 2, प्लस सी सी कितना लिया था हमने 5, पी माइनस क्यू 1 माइनस 2 कितना आया माइनस 1। सॉल्व कर लो बेटा, 3 का इंटू माइनस 1 में तो माइनस 3, 4 का इंटू 2 में तो प्लस का 1 और 5 का इंटू माइनस 1 में तो माइनस 5। क्लियर दिख रहा है, 8 माइनस 8 0 आ गया। तो इस तरह से ये 10 सेकंड में 15 सेकंड में पी क्यू आर और ए बी सी की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो और सॉल्व कर दो, तो आंसर आ गया 0। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, याद किया हुआ क्वेश्चन, 2 सेकंड में आंसर, वरना 10 सेकंड में ऐसा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सी आंसर, बिल्कुल सही सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अब से बदौरिया जी जवाब मिल गया, कैसे होगा सॉल्व,
पी की बार की वैल्यू हमने ले ली कुछ और एबीसी की वैल्यू ले ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इसमें यदि ये दो श्रेणियां दी हुई हैं, इन दोनों श्रेणियों के एमवे पद बराबर हैं, दो श्रेणियां दी हुई हैं इनके एमवे पद बराबर हैं तो एम का मान पूछा है, तो ये तो सिंपल सॉल्व करने वाला है, एमवा पद निकालना है। निकाल लो पहली वाली श्रेणी का ए कितना है 63, बी कितना आएगा 65 - 63 2 आ गया, ठीक है। दूसरी वाली श्रेणी का क्या हुआ 310, तो दूसरी वाली श्रेणी का पहला पद कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 - 3 7, और एमवे पद निकालना है तो एमवे पद निकाल लो, एमवा पद कितना होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, रख दो वैल्यू। पहली श्रेणी का ए कितना है 63 प्लस एम माइनस वन और डी कितना आया था 2, बराबर रखना है, लिखा है ना बराबर है दोनों। दूसरी वाली श्रेणी का ए कितना है 3 प्लस एम माइनस वन और डी कितना आया था इसका 7, सॉल्व कर दो बस, तो कितना आ रहा है ये 63 प्लस 2m माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3 प्लस 7m माइनस 7, सॉल्व कर लोगे, ये वाले 2m को उधर ले जाओ और ये 73 को उधर ले जाओ, तो कितना आ रहा है ये 7m माइनस 2m इक्वल टू कितना हो गया 63 माइनस 2 बच गया 61 और 3 माइनस 7 माइनस 4 उधर आएगा तो प्लस का 4, 7 माइनस 2 5m 61 प्लस 4 65, तो m की वैल्यू आ गई 13 - 65, 13 आंसर आ गया, m इक्वल टू 13 कौन सा है सी आंसर है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन इसका। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया सबको, आंसर आ गया सी, डायरेक्ट सॉल्व करना था, कोई ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। तो यहाँ क्या हुआ, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो काम आया यहाँ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट एपी का एमवा पद टीएम ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया, इसका आंसर आ गया सी, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है यार। यस, तो आगे बढ़ते हैं, सब लोग अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी डाउट हो डिस्कस किया करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान पूछा है, ये भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, बताया था हमने यदि ए बी सी ए पी में है तब हमने बोला था कि टू बी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सी हो जाता है, तो ये वो ही है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, तो टू बी की वैल्यू एक्स प्लस 8 ले लो इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस 2x ले लो और सी कितना है अपना 3x प्लस 1, सॉल्व कर दो,
तो कितना आ गया ये 2x, 8 × 16, 3 × 2 5x प्लस 1 1 हो गया 2, इधर तो ले जाओ तो 5x माइनस 2x, इधर 2 इधर आएगा तो 16 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, और ये कितना आ गया, कुछ तो गलत लिख दिया, हाँ वो इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ 2x x plus 8 3x plus 1 और यहाँ 1 + 2x दिख रहा है, हिंदी में 1 + 2x है ना, 2x ही लिखा, ये क्या रहा है, if लिखा, अच्छा अच्छा ठीक, हाँ तो ये 2x था जो हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, चलो ये गलत हो गया, ये यहाँ पर गलत लिख दी, यहाँ देख लो उसका 2x plus 8, 2b, और a की वैल्यू थी केवल 2x, तो 2x plus और c था 3x plus 1, तो ये 2x plus 8 × 16 और 3 × 2 ये हो गया 5x plus 1, अब 5 minus 2, तो 3x बच गया, 16 में से 1 15 बच गया, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 5, तो केवल एक्स का मान पूछ रहे थे कितना आ गया 5, सी आंसर, डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है ये, तो कोई ट्रिकी कुछ खास रूप नहीं है, तो ये सिंपल है बिल्कुल, सी आंसर x = 5, यहां पर गलत वैल्यू पुट कर दी थी इसलिए गलत कुछ आंसर आ रहा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये दिया हुआ है और a भी नियतांक है तो इसका सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा, इसका आंसर भी तो इसका आंसर कितना रहा है, इसका आंसर क्या रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, चलो वैसे इसका आंसर जो कह रहे हैं वो कुछ गलत है शायद, आंसर इसका डी होना चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं क्या इसका, इसका आंसर डी होना चाहिए, चलो चेक करते हैं फिर बता देंगे, स्टैंडर्ड चीज है याद कर लेना, फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमें, एन पदों का योग दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, कितना एन ए प्लस एन स्क्वायर बी, मान लो एस वन निकाला हमने, एस वन कैसे निकलेगा, एन की वैल्यू 1 ले लो तो कितना बचेगा, ये ए प्लस बी आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 रख दी, फिर मान लो एस टू निकाला, एस टू अब कुछ बच्चे ठीक कह रहे हैं डी हो गया, हाँ तो एस टू लिया मान लो, तो एन की वैल्यू 2 ले ली, तो ये क्या बन गया, ये हो गया 2a प्लस और यहाँ होगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b, ठीक है, अब यहाँ निकालना पड़ेगा हमें t2, और t2 होता है अपना s2 माइनस s1, ये s2 है ये s1 है, माइनस कर लो 2a माइनस a ये बच गया, और 4b माइनस b प्लस का 3b बच गया, ठीक है,
और ये जो S1 लिखा हुआ है S1 और T1 ये एक ही बात होती है, S1 और T1 एक ही बात होती है ना, एक पद का योग लिखें या एक पहला पद लिखें एक ही बात है। तो सारे बच्चे अब कह रहे हैं टू भी बिल्कुल सही है, तो ये T2 आ गया अपना। अब क्या निकालना है D, तो D निकाल दो, क्या होता है D, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 कितना आ गया अपना A प्लस 3B माइनस T1 कितना था A प्लस B, तो माइनस A और माइनस B, A कट गया 2B आ गया आंसर, तो ये आंसर आ गया अपना 2B, राइट है। तो इसका आंसर आ गया 2B, D आंसर हो गया इसका, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर है, n स्क्वायर देख लो ये कैसे आता है, d n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस, इस स्टैंडर्ड केस में। ये है याद रखने का तरीका, और जो हमें याद था इसीलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही बता दिया था कि आंसर इसका 2B होना चाहिए। क्या याद रखना है, अगर Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है n के फॉर्म में, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी का दोगुना हो जाएगा उसका d। अब जैसे मान लो ये लिखा होता है Sn इक्वल टू एन स्क्वायर ए प्लस एन बी, और फिर उसमें पूछा जाता है इसका डी, तो डी कितना आ जाता है इसका, तो हो जाता है टू ए। बात समझ आ गई, यानी कि एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसी का डबल होता है कॉमन डिफरेंस। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन भी देख लिया हमने सिंपल, बाय चांस याद ना रहे तो सॉल्व भी कर सकते हो, 10-15 सेकंड लगेगा मुश्किल से, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रेणी का नवा पद है, ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है सॉल्व, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये क्वेश्चन, क्यों नहीं करना है अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एचपी का क्वेश्चन है, ये एचपी का क्वेश्चन है, एपी का नहीं है, ये चेक कर लो, एपी नहीं आएगा। 9-27 कितना बचेगा, माइनस का 18, और इसमें से जब इसे माइनस करोगे थर्ड में से सेकंड को, तो माइनस 18 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एपी का नहीं है, इसीलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को अपन छोड़ के चल देते हैं, आंसर जो भी आएगा देख लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये आंसर है, जो होगा देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं करवा रहे क्योंकि ये एचपी का क्वेश्चन है, बीच में कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा फिर होगा सॉल्व, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समांतर श्रेणियों के एनवे पद क्रम से ये और ये दिए हुए हैं तो 12वें पदों का अनुपात पूछा गया है। अब ध्यान दो यहां पर क्या है, ये दिया हुआ एनवे पद, सीधा एनवे पद दिए हुए, एनवे पद, और क्या पूछा इसने फिर 12वें पद, एनवे लिखा हुआ देख लो क्लियर, एनवे लिखा है और 12वें लिखा हुआ है, सिंपल है, डायरेक्ट दिख रहा है एनवे और 12वें, एन की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां,
डायरेक्ट एन की वैल्यू 12 दिख रही है तो उस रेशियो में एन बराबर 12 लिख दो और आंसर आ गया 3 × 12 + 8 / 7 × 12 + 15 12 दून 24 12 तीन 36 36 प्लस 8 44 और 12 तक कितना 84 84 प्लस 15 आंसर 9 8 9 99 4 बटे 9 देखो 4 बटे 9 कहीं है तो सीधा आंसर आ गया 4/9 कौन सा आंसर है सही है बेटा सीधा साधा क्वेश्चन था ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था क्लियर देखना था यहां लिखा हुआ था एनवी और यहां पूछा था 12वे पदों का अनुपात सीधा एनवे पद दिए हुए थे और 12वे पद का पूछा था तो सीधा एन की वैल्यू 12 पुट करने दी वहां सीधा क्वेश्चन था आंसर हुआ गया ए 4/9 कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन किसी समांतर श्रेणी के पी वे पद का पी गुना क्यू वे पद के क्यू गुने के बराबर है तब उसका पी प्लस क्यूवा पद होगा पी प्लस क्यूवा पद होगा तो बच्चों ने आंसर बता दिया कितना हो जाएगा आंसर सारे बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड आंसर ए बिल्कुल सही जवाब तरीका वही है इसके लिए भी वही तरीका है सेम ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं वही तरीका 2 सेकंड वाला 10 सेकंड वाला और 2 मिनट वाला 2 सेकंड में आंसर दे दिया बच्चों ने याद था आंसर ए 0 आंसर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये और अगर इसको सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व कर सकते हो 10 सेकंड वाला चलो देख लो एक बार बाय चांस कि सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों को याद है तो ठीक बाय चांस याद नहीं होगा तो क्या करना है तो सॉल्व करना सीखो 10 सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है पी वे पद का पी गुना क्यू वे पद के क्यू गुने के बराबर है तो मान लो हमने ले लिया पांचवा पद का पांच गुना और तीसरे पद के 3 गुने के बराबर है मान लो ठीक है तो P का मान हमने कितना लिया 5 और Q का मान कितना लिया 3 सॉल्व कर लो पांचवा पद क्या होता है अपना पांचवा पद क्या होता है A प्लस 4D इसका 5 गुना और तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d इसका क्या है 3 गुना सॉल्व कर लो 5a प्लस 5 20d ये हो गया 3a प्लस 6d इधर उधर ले जाओ उनको तो 5 - 3 ये हो गया 2a प्लस 20 में से 6 14 t = 0 0 तो 2 से डिवाइड कर लो कितना आ गया अपना a प्लस 7d बराबर 0 a प्लस 7d ये कौन सा पद आ गया आठवां पद तो p प्लस q कितना हो जाएगा 5 + 3 तो यहां देख रहे हैं a प्लस 7d यानी कि आठवां पद कितना हो गया 0 p प्लस q 8 था तो आ गया आठवां पद 0 इस तरह से चाहो तो ये 10-15 सेकंड में सॉल्व करके भी देख सकते हो हमने p और q की वैल्यू 5 3 ली
तुम कोई दूसरी वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। दोनों तरीके समझा रहे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो याद भी कर सकते हो और नहीं तो फिर इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दो समांतर श्रेणियों के एम पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है और उसके 13वें पदों का अनुपात पूछा है। ये एक स्टैंडर्ड केस है, इसके लिए कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसको चाहो तो अलग से नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट है ये, या कह लो ट्रिक है ये। तो क्या हो कि यदि यदि एपी के एन दो एपी के दो समांतर है ना, यदि दो एपी के एन पदों के योग का अनुपात दिया हो और एमवे पदों के अनुपात पूछा जाए तो क्या करना। एन बराबर 2m-1 रख देना, एन बराबर रख देना 2m-1। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। पहले भी हमने बोला था, मैथ को पढ़ते टाइम अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, जहाँ भी कोई डिफरेंट चीज मिलती है तुरंत उसे नोट करना है। तो बच्चों का आंसर आ रहा है सी, और वो सी आंसर गलत है। एक बालक कह रहा है ए, ए आंसर उसका सही है। सी जो आंसर कह रहे हैं सी वो गलत है, ए कहने वाले आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, एन पदों का योग का अनुपात दिया हो और एमवे पदों का अनुपात अगर पूछा जाए तो एन बराबर 2m-1 रख देना है। यहां जरा देखो क्या लिखा हुआ है, एन पदों का योग का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है, कितना दिया हुआ है 2n+3/6n+5। क्या पूछा है, 13वें पद का अनुपात पूछा, 13वें पद। या हमने क्या बोला था एम वन हो गई इतनी 13, तो क्या लिखना है एन बराबर एम का मान कितना है 13, तो 13 × 2 = 26 माइनस ए कितना लिखना है 25। एन की जगह पे क्या लिखना है हमें 25 लिख देना 25। तो देखो आंसर आ गया डायरेक्ट 25, ऊपर आ गया 53। और देख लो किसी भी ऑप्शन में ऊपर 53 नहीं है, पहले ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट करना तो कंप्लीट कर लो, 25 × 6 = 150 और 5 आ गया 155। तो इस तरह से याद रखो बेटा ये कि यदि दो एपी के एन पदों के योग का अनुपात दिया हुआ रहे तो सीधा सीधा एन बराबर 2m-1 रख देना है, एन बराबर 2m-1। जैसे यहाँ था 13वां पद तो एम का मान 13 रख लिया हमने, ठीक है, 13 × 2 = 26 - 1 = 25 रख दिया हमने, एन का मान 25 रख के आंसर आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लो और याद भी कर लो, ठीक है, नोट कर लो। बार बार कह रहे हैं कि जब भी कोई डिफरेंशिएशन बताना उसको तुरंत नोट किया करो, नोट कर लो से एन पदों के योग का अनुपात दिया रहे। यस, एन पदों का योग का अनुपात दिया रहे और एमवे पद का अनुपात पूछा जाए तो सीधा एन बराबर टू एम मार्क्स में रख देना है, ठीक बेटा, समझ आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लो अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वन लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग दिस ये समांतर श्रेणी में है, यस, तो ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, एक्स का मान पूछा है, तो ये क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व करना, पूरा डिटेल सॉल्व करना अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं होगी अभी, या तो कभी पढ़ी नहीं होगी या पढ़ी है तो अभी याद नहीं है, इसलिए इसका पूरा डिटेल समझाना सही नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा भी लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लेना, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर मार्क कर लो, फिर कभी देखेंगे जब लॉग की प्रॉपर्टी सामने आएगी तो बता देंगे, इसका जो आंसर है वो ये बी आएगा आंसर। जिन लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हो वो उसको सॉल्व कर लेना, एक्स का मान ये रख देना एक्स की जगह पर, वन माइनस लॉग फोर टू द बेस थ्री, ये एक्स की वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, एपी मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है लॉग, उनको ये अभी समझ आएगा भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या है ये, ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है तो इनका मान पूछा है इन्होंने, ये भी सिंपल है, ए बी सी डी ई ए पी में है तो ए बराबर वन, बी बराबर टू, सी बराबर तीन, डी बराबर चार, ई बराबर पांच ले लो, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव ले लो और जिसकी वैल्यू पूछी वहां पर रख दो और सॉल्व कर लो, मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दी है इसमें रख के देखो, सॉल्व कर लो कितना आंसर आ रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ए, ए बी सी का मान यहां पर रख दो, यहां ए बी सी का मान ए की जगह पे वन, बी की जगह पे टू, सी की जगह पे थ्री, डी की जगह पे फोर, ई की जगह पे फाइव और रख के सॉल्व कर दो। और बच्चे कह रहे हैं आंसर आ गया सर ए, बिल्कुल सही जवाब है ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर चलो जल्दी से और देखना, एक आप क्वेश्चन, ये वही आ गया अपना, एन पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है और ग्यारहवें पद का अनुपात पूछा है, तो एन का मान कितना है यहाँ पर 11, तो एन बराबर क्या रखना है, 11 दूनी 22, 22 माइनस एक, 2 इंटू 11 माइनस 1, 21 रख दो, एन का मान 21 रख दो, सॉल्व कर दो, अपने आप आ जाएगा रेशियो जो आना है, अभी कर रहा था ये वही क्वेश्चन है सेम। ए को लॉक कर दें, बच्चे कह रहे हैं ए को लॉक कर दो सर, ए को लॉक कर दिया, चलो बहुत बढ़िया ट्रिक समझा रही। तो आज के लिए बस लास्ट क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। एन पद नान पदों का योग निकालना है, नान पदों का योग सीधा फार्मूला लगा देना बेटा, इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। एस एन इक्वल टू एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लगा देना, एन का मान नाइन रखना है, ए की जगह पे कितना वन बाई टू लेना है
और d कितना आ जाएगा 1 by 3 minus 1 by 2 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना कितना आएगा 2 minus 3 minus का 1 by 6 आएगा 1 by 3 minus 1 by 2 हाँ ठीक है minus का 1 by 6 फिर अगर मान लीजिए 1 by 6 minus 1 by 3 कर लें तो भी LCM 6 तो 1 minus 2 minus 1 by 6 सही है तो D का आंसर minus 1 by 6 पुट कर लेना N का मान 9 A का मान 1 by 2 और D का मान minus 1 by 6 इस कॉलम रख दो सॉल्व कर दो ठीक है बेटा तो ये डार्ट क्वेश्चन है तो बस आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज की सवाल यहां समाप्त करते हैं नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसको कंटिन्यू करेंगे अपन ठीक है जब तक प्रैक्टिस करो हैव